Hey guys, assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome back to my channel Creative Pretty with Isma. So viewers, आज हम लोग पैंट, पजामा, ट्राउज़र, कैप्री आप कुछ भी कर सकते हैं उसका मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत यूनिक है। गाइस, पांचा बनाने के लिए 14 इंचेस में यहाँ लेंथ ली है और 2 इंचेस ही चौड़ाई ली है। हमें यहाँ पे कटवर्क की डिज़ाइनिंग करनी है और इस डिज़ाइनिंग के लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें कितने कितने इंचेस का वक्फ़ा रख के यहाँ पर निशानात लगाने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैं एक एक इंच का वक्फ़ा रख के निशानात लगा रही हूँ। जी गाइस, एक एक इंचेस का वक्फ़ा रख के जो मैंने निशानात लगाए हैं इन्हीं के मिड में मैं एक एक डॉट लगा रही हूँ। डॉट को लगाने के बाद जो पहले हम निशानात लगा चुके थे उसको मैं स्केल से सीधी लाइंस खींच लूँगी ताकि हमें कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग वो जो लाइंस खींचे हैं उनके मिड में उस डॉट के साथ उसको मैच कर देंगे तो हमारे कटवर्क्स कुछ इस तरह से रेडी हो जाएंगे। मिड पॉइंट को उस लाइन के दरमियान से हम लोग लाइन खींच लेंगे तो हमें कटिंग करने में बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। तो गाइस, हमारे कटवर्क्स कट चुके थे। अब हम लोग इसको अपने पांचे के ऊपर पेस्ट कर लेंगे आयरन से। पेस्ट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये कपड़ा यूज़ करना है जो कि बिल्कुल इन कटवर्क्स के बराबर मैंने कट कर लिया है और इसको हम लोग नीचे रखेंगे। ठीक है, नीचे रखेंगे क्योंकि हमें ऊपर से कटवर्क्स भी दिखने चाहिए। कपड़े को नीचे रखा और इन कटवर्क्स के बिल्कुल किनारों पर सिलाई लगा लेंगे और बहुत सफाई से, जितनी सफाई से आपकी सिलाई लग जाएगी उतनी ही सफाई से आपके कटवर्क्स तैयार हो जाएंगे। ओके गाइस, स्लाइज क्योंकि मैं कटवर्क से बिल्कुल किनारों पे लगा चुकी थी उसके बाद मैंने बीच में से कटिंग कर ली थी। गाइस, ये पट्टी है जो कि 1 इंचेस मैंने फोल्ड कर ली है। देखें, आप देख सकते हैं इसको मैंने आयरन से फोल्ड किया है ताकि सफाई से हो जाए। इस पट्टी को फोल्ड कर लिया था, अब मैं इसके किनारे पर एक सिलाई लगा दूँगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इस पट्टी का मकसद क्या है। जी गाइस, दोनों पांचों की पट्टियों को किनारों से सिलाई लगा ली है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये मोती हैं जो कि मैं इन पांचों पे यूज़ करूँगी और उसके बाद हमारे पांचा हो जाएंगे बिल्कुल कंप्लीट। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। व्यूज़, इन मोतियों को हम लोग सुई धागे की मदद से इस पट्टी के साथ अटैच कर देंगे तो इस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग हो जाएगी कम्प्लीट।
ओके गाइस, इन मोतियों को लगाने के बाद हमारे आज के डिज़ाइनिंग के वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।